देख लो गांव वालों, डाकू रामवती का कारनामा, लाशों के ढेर लगाती चली जा रही है वो। आज उसने एक नेक शरीफ और ईमानदार पुलिस अफसर को ऐसे मारा है जैसे इंसान नहीं एक सुअर है। सुअर, हम लोगों का जीना दूभर कर दिया इस डाकू ने। अरे अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसे मार सकती है तो हम लोग भला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, और देखिए अपनी लापरवाही का नतीजा। आपको आए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक आपने रामवती को नहीं पकड़ा, और यही कारण है कि उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, और यहां तक कि आज उसने कानून का भी सर काट कर रख दिया है। ठाकुर साहब, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसर के मरने से कानून का सर कटता नहीं, गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या? ये देखिए, इसमें लिखा है कि इंस्पेक्टर बलवंत कानून के माथे पर एक बदनुमा दाग था। इसने गांव के हर घर में कोहराम मचा रखा था। इसी ने ठाकुर के कहने पर विजय नाम के किसान को उसी की छोटी बहन के झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। और इसी ने ठाकुर की चंडाल चौकड़ी के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटी थी। तीन को तो मैं ठिकाने लगा चुकी हूं, और अब नंबर है ठाकुर जागीर सिंह का। क्या बकती हो? मैं बक नहीं रही, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रही हूँ। पढ़ना लिखना छोड़ो और ये बताओ कि तुम किस मर्ज की दवा हो, आखिर तुम कुछ करती क्यों नहीं? ठाकुर साहब, रामवती को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द इस चिंता के चंगुल से मुक्त कर दूंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। अब कानून के वादों पर भरोसा करना बेकार है, रामवती के लिए मुझे ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा।